भारत ने मंगलवार को लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया। देखिए यह हमारी रिपोर्ट। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को सुबह 10 बजे एक द्वीप को टारगेट बनाकर दागा गया और उसने सफलतापूर्वक अपने उस लक्ष्य वाले द्वीप को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि भारत मिसाइल से दूर तक मार करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बुधवार को कई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया। इसमें जमीन और समुद्र के लक्ष्य को निशाना बनाया गया। ये परीक्षण पश्चिम बंगाल के पास हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया। आपको बता दें ये परीक्षण भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मिसाइल सिस्टम के कई रेजिमेंट हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की मार करने की क्षमता अब 400 किलोमीटर तक बढ़ गई है।